जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जीवन मंत्रा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जीवन मंत्रा में जो नुस्खे हम आपको बताते हैं वो वैद्यों और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। दोस्तों, रोजमेरी एक औषधीय गुणों वाला पौधा है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है। औषधीय गुणों और अपनी खास खुशबू की वजह से इसका प्रयोग कई व्यंजनों जैसे सूप, सॉस और मांसाहारी पाक में किया जाता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन, आयरन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होने की वजह से यह त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की खास उपस्थिति के कारण अरोमाथेरेपी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह त्वचा को नई ऊर्जा प्रदान कर जवान बनाता है। आप कई सौंदर्य प्रसाधनों में इसके प्रयोग को देख सकते हैं। साबुन, क्लिंजर, टोनर, क्रीम और फेस मास्क में इसकी मौजूदगी इसके गुणों को प्रदर्शित करती है। त्वचा के लिए आज हम कुछ खास गुणों की चर्चा इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं सेहत और सौंदर्य के लिए रोजमेरी के फायदे। नंबर एक, कैंसर से बचाव में रोजमेरी बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि रोजमेरी में एक खास घटक कार्सिनोजेन मौजूद होता है जो कैंसर रोधी माना जाता है। ये प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव करता है। श्वसन संबंधी समस्याओं में रोजमेरी के लाभ देख लीजिए। ऐसे व्यक्ति जो लगातार सांस से जुड़ी परेशानियों से जूझते रहते हैं, उसके लिए रोजमेरी औषधि की तरह कार्य करती है। इसके अलावा फ्लू और एलर्जी में भी ये लाभदायक होती है। पानी में रोजमेरी को उबालकर इसकी गर्म भाप लेने से सांस के कष्ट में आराम मिलता है। नंबर तीन, पाचन के सुधार में बहुत ही कारगर होती है रोजमेरी। कई बार ज्यादा मिर्च मसालेदार खाना पेट में तकलीफ पैदा करता है। इसकी वजह से पेट में जलन, गैस, कब्ज आदि होती है। इसके उपचार के लिए रोजमेरी बहुत फायदेमंद है, खासकर जब मांसाहार या अधिक तला भुना खा लेने से पेट में किसी तरह की समस्या होने लगती है, तब ये बहुत उपयोगी उपाय होता है। नंबर चार, माइग्रेन से दर्द में राहत के लिए रोजमेरी बहुत फायदेमंद होती है। माइग्रेन का दर्द बहुत कष्टकारी होता है। पानी में रोजमेरी को उबालकर इसकी गर्म भाप 10 मिनट तक लें। इस उपाय को कुछ दिनों तक नियमित रूप से करें, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मुहासों के इलाज में रोजमेरी बहुत फायदेमंद होती है। त्वचा के लिए रोजमेरी के अनेक फायदे हैं, खासकर मुहासों के उपचार में रोजमेरी को अपनाया जा सकता है। इसके लिए 2 चम्मच रोजमेरी ऑयल को खीरे के रस में और अंडे के सफेद हिस्से में मिलाकर फेंट लें। इस पैक को चेहरे पर हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएं और फिर उसके बाद ठंडे पानी से मुंह को धो लें। आप देखेंगे कि आपके मुहासे खत्म हो गए हैं। नंबर 6, झुर्रियों और महीन रेखाओं के इलाज में बहुत कारगर होती है। उम्र की वजह से त्वचा में कई तरह के फर्क दिखाई देने लगते हैं। इसमें झुर्रियां और महीन रेखाएं सबसे आम बात हैं। एक्जिमा और सोराइसिस तक के इलाज में इसका प्रयोग करने पर लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 7, दांतों की समस्या अगर किसी को है तो उसमें भी रोजमेरी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि भोजन जब दांतों के बीच में फंसा रह जाता है तब ये दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण सांसों में दुर्गंध, दांतों की सड़न और मुंह में बैक्टीरिया का होना एक आम बात बन जाती है। इन सब को दूर करने के लिए रोजमेरी टी या इससे बनी चाय बहुत ही लाभदायक होती है। दोस्तों, आप आज से ही रोजमेरी का सेवन शुरू करें और अपने जीवन को निरोग और स्वस्थ बनाएं। दोस्तों, जीवन मंत्रा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। दोस्तों, जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।